चित्रकूट जेल में शुक्रवार को हुए शूटआउट में मारे गए गैंगस्टरों पर हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। पड़ताल में पता चला है कि किसी समय मुन्ना बजरंगी का खास रहा मिराज। 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में हुई मुन्ना की हत्या की साजिश का आरोपी था। घटना के बाद मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने पुलिस को दिए 161 के बयान में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह व बनारस के पूर्व डिप्टी एसपी जेएन सिंह और उनके बेटे प्रदीप सिंह और मुख्तार के करीबी मिराज को आरोपी बनाया था। तो वहीं बयान के अनुसार इनका नाम मुकदमे में शामिल किया गया था, जिसकी जाँच बाद में CBI को सौंप दी गई। यही नहीं, मुन्ना से पहले 2 सितंबर 2017 को गोमती नगर में मुन्ना के करीबी तारिक की हत्या में भी मिराज समेत इन्हीं लोगों पर केस दर्ज किया गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि जेल गैंगवार को अंजाम देने वाला अंशु दीक्षित 11 दिसंबर 2008 को गोमती नगर के नेहरू एन्क्लेव में हुई छात्र नेता विनोद त्रिपाठी और गौरव की हत्या का मुख्य अभियुक्त था। इस घटना में इसके साथ जय सिंह और सुधाकर पांडे भी आरोपी थे। जय सिंह को मार्च 2008 में पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया था। उसके एनकाउंटर के बाद सुधाकर और अंशु पुलिस के डर से गोपालगंज में आर्म्स एक्ट के मामले में जानबूझकर गिरफ्तार हो गए थे। इस केस में छात्र नेता हेमंत सिंह, विपिन सिंह और अश्वनी उपाध्याय गवाह थे। अंशु के खौफ से विपिन और अश्वनी ने आधी गवाही के बाद ही पैर पीछे खींच लिया था, लेकिन हेमंत अंशु को सज़ा दिलाने पर अड़ा था। हेमंत का बयान हो चुका था और अंशु व सुधाकर के साथ जिरह की प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच कोरोना के चलते कोर्ट का कामकाज रुकने से जिरह अभी पूरा नहीं हुई थी। अंशु लगातार हेमंत को गवाही से हटाने के लिए जान से मारने की धमकी दे रहा था। तो वहीं घटनाक्रम को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जेल में हुई वारदात मुन्ना बजरंगी की तरह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है। अंशु को पता था कि मुन्ना की हत्या के बाद जिस तरह सुनील राठी पर कोई आँच नहीं आई, वैसे ही मिराज और मुकीम को मार कर वह भी सुरक्षित बच जाएगा। जेल सूत्रों का कहना है कि अंशु ने सुबह 9:30 बजे दोनों हत्याओं का अंजाम दिया। इस मामले में दर्ज FIR में खुद पुलिस की तरफ से लिखा गया है कि घटना के करीब 3 घंटे बाद पुलिस की टीम ने अंशु दीक्षित को मारा। सवाल उठता है कि जेल की चार दीवारी के बीच एक बदमाश को ढेर करने में पुलिस को इतना वक्त क्यों लगा। तो वहीं दूसरी ओर मिराज की पहले मुन्ना से दोस्ती और बाद में उसके विरोधी खेमे से हाथ मिलाना अंशु को सज़ा मिलने के दिन करीब आने के बीच इस जेल कांड के पीछे किसके बीच क्या डील हुई, अंशु की मौत के बाद ये बस रहस्य रह गया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में शुक्रवार को कैदियों के बीच गोली चल गई। इसमें वेस्ट यूपी के गैंगस्टर अंशु दीक्षित ने मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे मिराज और बदमाश मुकीम काला की गोली मारकर हत्या कर दी। मिराज बनारस जेल से भेजा गया था, जबकि मुकीम काला सहारनपुर जेल से लाया गया था। पुलिस ने अंशु दीक्षित को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वह लगातार फायरिंग करता रहा। बाद में पुलिस की जवाबी कार्यवाही में अंशु भी मारा गया था।